लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी, उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। एक ही बात मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला जे है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों जे हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, जीरो सर्दी का है 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है, इसका कारण क्या है? कारण है कि ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आप में पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ, इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून यूएसए यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है, और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं। उस पर यूएसए में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इस पर ये स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से ज़मीन लेके, फिर आस्ता आस्ता किसान आउट होता गया, अब वो 40% हो गई। यही बात हिंदुस्तान में होगी कि 1-2 साल बाद ओपन मार्केट में मुकाबला नहीं होएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं 20-30 ज़्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका
पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी। फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल ना और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं ज़मीन कैसे जाएगी, ज़मीन ऐसे जाएगी जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते, ये किसान मांगता है कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। सेकंड क्या है, आप देखा, यू विल हैव टू स्टार्ट गारंटी कंक्लूडिंग, प्लीज कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, सॉरी सर, मैं तो बहुत मीठा बोल रहा हूं, एवरीबॉडी स्पीकिंग वेरी रेलेवेंट, अनफॉर्चूनेटली टाइम जो है, प्लीज मैं आउट ऑफ की सब्जेक्ट नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो कभी लेकिन जो कहना चाहता था वो तो मैं कह ही नहीं सकता, पालना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं पॉइंट थी, मुझे प्लीज मैं आप ही कम बोल रहा हूँ। सो व्हाट कैन आई डू, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसको जमीन ऐसे जाएगी जब उसको प्राइस पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा, कहीं हमने तो कंट्रोल की गारंटी दी नहीं लीगल, तो आस्ता आस्ता किसान कर्जाई हो जाएगा, वो कंपनी जमीन ले लेगी और सब कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। फिर असेंशियल जो एक्ट है उसके तहत होर्डिंग है, रेट कंज्यूमर भी मर जाएगा और प्रोड्यूसर भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूसर वो कामयाब है जिसकी मोनोपोली है, किसी चीज़ का भी प्रोड्यूसर है, ये फार्मूला है कि दुनिया में प्रोड्यूसर फेल होता है जिसकी मोनोपोली नहीं, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। और उसका असर किस पे होता है, कंज्यूमर पे, फायदा कौन बचाता है, जिसको आप बिचौलिया ट्रेडर कहते हैं। पहले तो ट्रेडर था 16-17 लाख, उससे किसान टकरा जाता था, अब तो 5-4 आ जाएंगे, 5-4 कंपनी रहेगी वर्ल्ड में जिसका जो सारी वर्ल्ड पे 59% शेयर है ग्लोबल मार्केट में, तो उसका कैसे किसान मुकाबला करेगा, वो तो वकील को 5 लाख दे देगा, किसान कहाँ लाएगा पैसे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ द्वारा चर्चा कीजिए। अगर हमारी बात पहले मान लेते तो ना हम तो अलग होते, आपका प्यार रहता, तो ना हमें इस्तीफा देना पड़ता और ये किसान को बहाना रुलना पड़ता और देश सारा डिस्टर्ब ना होता। आपको दिल्ली में जर्मन बालना निकालनी पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, ये डेमोक्रेसी है, लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है, लोगों के लिए काम करती है। इसलिए कोई बात नहीं, हम हाथ बन के कहते हैं, किसानों की तरफ से कहते हैं, जाए हमें देखे किसान कैसे स्वागत करेंगे, सभी पार्टी का एक साथ नाल ले जाए लीडर जाए, उनको उनके जाने से किसान खुश हो जाएगा और उसके चर्चा के बाद ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ किसान को दुश्मन ना समझिए, किसान मित्र है, अगर जय जवान है जय किसान है ता ही जय हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम तो वो लोग हैं जिसपे गोलियां चली हैं, हम तो हम लोगों ने मुकाबला किया, इसलिए हम देश के, ये देश हमारा है, पाकिस्तान से 10 लाख लोग हमारे बारे में, और देश आजादी का जश्न मना रहा था, हमारे माता पिता जो बुजुर्ग थे उन्होंने आजादी के लिए जलियांवाला बाग, सरदार भगत सिंह शहीद सना, सरदार करताब सिंह सराभा, ये शीशगंज देखिए कि मुगलों के साथ हमारे गुरु कैसे उन्होंने शीश कटाया इस देश की इज्जत के लिए, जुल्म को मिटाने के। बुंदर जी, यू आर अ वेरी सीनियर मेंबर, प्लीज मैडम, प्लीज, यस मिस्टर अल्फांस, प्लीज स्टार्ट। मैडम, आई राइज टू स्पीक टू सपोर्ट एंड थैंक द प्रेसिडेंट फॉर हिज एड्रेस।